गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरा ना थोड़ा सा मूड खराब हो गया। मैंने ये सोचा था कि आप लोगों के लिए मैं कुछ अपना थोड़ा सा रूटीन शेयर करूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में आज क्या हो गया, ये काम ही नहीं कर रहा है। कैंसिल कैंसिल लिख के बार बार आ जा रहा है, तो क्या बताऊँ। देखती हूँ, अगर कुछ बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिर्फ आज आप लोगों से थोड़ी सी बात ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने बड़े दिन बाद का जो वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया, इतना अच्छा लगा आप लोगों को, कि ये जानकर जो है मेरा तो दिल ही भर गया। आप लोग जो है, हम 1 महीने के लिए चले गए, तो आप लोग हमें इतना मिस करोगे, इतना मिस करोगे, ये तो हमें इस वीडियो के बाद ही पता चला। तो ये मतलब आप लोगों का प्यार, और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट, कि कुछ कमेंट तो इतने अच्छे हैं कि मेरे दिल को छू गए एकदम से। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो जो है बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप लोगों को। मेरे वीडियो बनाने का मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया है। मुझे मेरा अमाउंट मिल गया है, मुझे मेरी दौलत मिल गई है, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे पता नहीं था कि दुनिया में मतलब इतने अच्छे लोग पड़े हैं, जो किसी को इतनी मतलब जो किसी को इतनी हद तक जो है प्यार दे सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि मुझे लोगों ने बहुत कम पसंद किया है। वो शायद पता नहीं क्यों, वो उनकी सोच रही होगी, या शायद मेरी नेचर की वजह से। तो ये तो अपना अपना नेचर है, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और हमेशा आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई अमाउंट मिले ना मिले, मैं पैसे के लिए कभी नहीं मरी। अब क्या मरूंगी इसमें मैं पैसे का क्या करूंगी। कल हम लोगों ने बात की थी कि मतलब हम ऐसे पूजा करते हैं तो ये फल मिलता है, ऐसे पूजा करते हैं तो वो फल मिलता है। अच्छी बात है, और अगर फल नहीं मिलेगा हम लोगों को, हमेशा निराशा ही निराशा मिलेगी, तो ये बात भी तो ठीक नहीं है ना। और लेकिन ऊपर वाला कभी ऐसा नहीं होने देता है। तो ये मतलब कल भी मैंने बोला था, और आज मैं फिर बोल रही हूँ कि ये तो सब अपने अपने मन की सोच है कि किसको कैसे सुकून मिलता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मतलब भगवान का सबसे बड़ा वरदान इस दुनिया में क्या है हम लोगों के लिए, और खासकर एक औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ा वरदान क्या है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ा वरदान दुनिया में ये है। आप समझ ही गए होंगे कि सबसे बड़ा वरदान दुनिया में औरत के लिए ये है। देखिए, वैसे तो ये माना जाता है कि जो है सौभाग्यशाली स्त्री के लिए पति है ना, तो शादी तो भगवान की कृपा से सबकी होती है, और कोई भी लड़की कुंवारी नहीं रहती है, चाहे वो अपनी मर्जी से शादी करे, या फिर जो है अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, शादी तो सबकी हो ही जाती है। क्योंकि जहाँ तक है मेरा मानना है, शादी अपने हाथ में, लेकिन एक ये वरदान जो ऐसा है भगवान का, ये अपने हाथ में नहीं है। जब तक ऊपर वाला ये वरदान एक औरत को नहीं देता है, तब तक उसकी जिंदगी अधूरी रहती है, मेरा ये मानना है। और मतलब पता नहीं किसका क्या मानना है, इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास कितनी भी दौलत हो, ढेर सारी दौलत हो, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, एक बच्चे का सुख नहीं खरीद सकते। बच्चा तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक माँ जो एक बच्चे को 9 महीने पेट में रख के जो अनुभव करती है और पैदा करती है, वो जो सुख होता है, उसको हम नहीं खरीद सकते। उसको दुनिया का कोई या इंसान नहीं खरीद सकता है, कोई डॉक्टर नहीं ला के दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। तो मेरा तो मानना यही है कि जो है कि सबसे बड़ा वरदान भगवान का बच्चे होते हैं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऊपर वाले ने, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अच्छे कर्म किए होंगे, थोड़ी सी पूजा की होगी या जो भी किया होगा, तो भगवान ने उसके बदले में मुझे ये फल दिया। ये मेरी बेटी दिव्या की बचपन की और सबसे पहली तस्वीर है उसकी। ये 2.5 महीने की थी, तो मैंने ये उसकी ये फ़ोटो जो है, उस समय बहुत ज़्यादा कैमरे और ये
मोबाइल स्मार्टफोन नहीं थे कि मतलब तुरंत घर में फोटो खींच लो। हमेशा जो है इस चीज़ को जो है शुक्र मनाती रहती हूँ भगवान से, और भगवान का हमेशा जो है आभार मानती हूँ और हमेशा आभारी रहूँगी इस चीज़ के लिए कि भगवान ने अगर कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में कोई कमी की है तो मुझे उसके बदले में इतना बड़ा सुख दे दिया है, मेरा पूरा संपूर्ण जीवन मेरा पूरा कर दिया है। तो जब दिव्या हुई थी मैं इतनी खुश थी, एक तो इसलिए कि मैं माँ बनी और एक इसलिए क्योंकि मुझे शुरू से बेटियाँ बहुत पसंद है। तो मुझे जो है चार भाई थे और दो छोटे थे तो दो बड़े थे, लड़ते थे झगड़ते, तो बचपन से मुझे लगता था कि लड़के जो है बड़े शैतान होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, तो इसकी वजह से मुझे जो है बेटियाँ शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब दिव्या हुई थी तो मैं इतनी खुश थी, और ऊपर वाले की कृपा देखिए, मेरे ससुर जी मंगलवार व्रत करते थे और मेरी दिव्या का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था, तो मेरे बाबूजी इतने खुश हुए थे कि जो है कहते थे बजरंगबली बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे जो है एक कन्या दे दी, क्योंकि मेरी भी कोई ननद नहीं थी तो मेरे परिवार में सबसे पहली दिव्या ही मतलब लड़की थी। देखिए लड़का और लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और जहाँ माँ का सवाल होता है वहाँ लड़का लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लड़का भी माँ बोलता है और लड़की भी माँ बोलती है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक माँ बनने की, हो सकता है शायद आप लोगों के मन में मतलब ये विचार आए कि मतलब लड़की है लड़का भी होना चाहिए तभी जीवन पूरा होता है, तो वो चीज़ एक अलग है, और ये माँ शब्द या माँ बनने की खुशी या माँ बनना ये चीज़ एक अलग है। कभी कभी जब अकेले में लेटती हूँ और ये सोचती हूँ कि इस दुनिया में ज़िंदगी किसी की जो है कंप्लीट नहीं होती है, किसी की लाइफ में कुछ कमी, किसी की लाइफ में कुछ कमी, किसी की लाइफ में कुछ कमी, हर इंसान के लाइफ में, और यही संसार है। कहते हैं ना कि यहाँ आके किसी को सर्व सुख नहीं मिलते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ अकेले में जब कभी लेटती हूँ, मेरा मन कभी इधर उधर जाता है और मैं सोचती हूँ कि हे भगवान अगर आपने मुझे ये सुख नहीं दिया होता तो मतलब ये सोच के मतलब कभी कभी एकदम से मेरा मन मेरी आत्मा मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि हमें रहना इसी समाज में, इसको छोड़ के हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, और इस समाज में हर तरीके के लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे भी लोग हैं, ब्रॉड माइंडेड भी हैं, दकियानूसी भी हैं, छोटी सोच की भी है, ऊंची सोच की भी, हर तरीके के लोग हैं, मुंह पे बोलने वाले भी हैं, पीछे बोलने वाले भी हैं। तो जो है थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे माँ बनाया, और वो भी एक इतनी अच्छी बेटी की माँ बनाया कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिलेगी कि मुझे जो है ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मतलब यहाँ तक मुझे लाएगी कि मुझे दुनिया के सामने लाएगी, और दुनिया में इतने सारे मेरे बच्चे बन जाएंगे, और मतलब मुझे लगेगा ही नहीं कि मेरी अकेली बेटी है या मतलब मेरे इतने सारे बच्चे हो गए हैं। लेकिन अगर हो सके तो मतलब भगवान चाहे दौलत में कमी कर दे या किसी और सुख में कमी कर दे, लेकिन एक बच्चा भगवान हर औरत को दे, ये इतनी बड़ी कमी वो किसी के जीवन में ना दे। यहाँ तक लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में, आप लोगों से मिलवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी बिटिया दिव्या का है, और भगवान उसको जो है हमेशा सब कुशल रखे, हमेशा उसकी फैमिली खुशहाल रहे, और क्या कहूँ जितना कहूँ उतना ही कम है। तो अब तो मेरी ऊपर वाले ने मेरी खुशियाँ डबल तिबल कर दी हैं, और बेटे के रूप में मुझे एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा दामाद मिल गया है, और जैसा सुख और जैसी बेटी मुझे दी जो 10 बेटों के भी ऊपर है ना, जो 10 बेटों के भी बराबर है उनसे भी ऊपर है। वैसे तो अपने बच्चे हर माँ को हर हाल में अच्छे लगते, वो कैसे भी हों, चाहे वो नालायक हों चाहे वो लायक हों, चाहे वो कमाते हों या नहीं कमाते हों, कुछ करते हों नहीं करते हों, शादी हुई हो नहीं हुई हो, कुछ भी हो, माँ और बच्चे का एक रिश्ता ही ऐसा है कि इन ये सारी चीज़ें उस रिश्ते से एकदम परे हैं, उनका इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर माँ यही कहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो जो है और मेरा बेटा और मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बेटी की बेटी, तो सोचिए कि जो है अब तो मतलब मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो गई है कि जब दिव्या की जब बेटी हुई
तो मुझे लगा मैं नानी बन गई। अरे बाप रे बाप, उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो जब भी मुझसे किसी जब भी कोई फोन पे कहता था या वैसे जो है, शुरू शुरू मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं नानी बन गई। बहुत सारी औरतें हैं मतलब ऐसा सोचती हूँ, अरे मैं अभी बुढ़ी नहीं हूँ, दादी नहीं, नानी हूँ। मुझे इन चीज़ों की बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरी बेटू मुझसे नानी कहती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी जितने बार वो नानी कहती है उतने बार मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी और बढ़ गई और जीने की इच्छा मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे एक बेटी है और मेरी बेटी की बेटी है, अब तो मेरे और ढेर सारे आप सब लोग हैं, अब तो मेरे इतने सारे बच्चे हो गए हैं कि मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ या मैं कभी, खैर कभी मुझे दिव्या ने ये लगने नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ। और अब तो सवाल ही नहीं उठता है, अब तो उसकी तारीफ में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। आप लोगों को, हम लोगों ने जो आज बातचीत की, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप लोगों को ठीक लगे तो शेयर भी करें। बाय बाय।